आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि धोनी की टीम, सुरेश रैना की टीम, जडेजा की टीम, मैकलम की टीम, इन सभी खिलाड़ियों की ऐसी टीम चेन्नई सुपर किंग्स जो दो बार आईपीएल जीती है, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है। दो बड़ी टीम आईपीएल के, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बारे में। जी दोस्तों, रोहित शर्मा के सामने आज धोनी की चुनौती है। आज कैसे एक बार फिर से दिखाई दे सकता है माही मैजिक, ये रिपोर्ट देखिए। चेन्नई सुपर किंग 2 वर्षों बाद मैदान पर लौटने वाली थी, क्योंकि सीएसके पर 2 सालों का प्रतिबंध लगा था। आईपीएल 2018 फिर से शुरू होने वाला था। इंडियन प्रीमियर लीग में फिर से एक नाम जुड़ने वाला था। 8 टीमों में हमारी टीमों का भी नाम जुड़ चुका था। चेन्नई सुपर किंग के फैंस में उत्साह फिर से बढ़ चुका था। लेकिन 2 सालों बाद आ रही चेन्नई सुपर किंग में फिर से हम अपनी जान डाल चुके थे। फिर से हमारा उत्साह बढ़ चुका था, फिर से हमारा हौसला बढ़ चुका था, फिर से हमारी धड़कनें बढ़ने वाली थी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के शान, हमारी जान थाला यानी महेंद्र सिंह धोनी फिर से मैदान में येलो जर्सी में लौटने वाले थे। आईपीएल 2018 का माहौल अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग का पहला ही मुकाबला आईपीएल की सबसे बड़ी टीम यानी मुंबई इंडियंस के साथ था। 2 सालों बाद फिर से आमने सामने आने वाले थे कैप्टन कूल और हिटमैन शर्मा, और फिर से 2 सबसे बड़ी टीमों में होने वाला था सबसे बड़ा मुकाबला। जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। 7 अप्रैल 2018 शुरू होने वाला था 2 सबसे बड़ी टीमों में सबसे बड़ा मुकाबला। टॉस के लिए मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस के घर यानी वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था। इस महा मुकाबले के लिए टाइमें हो चुकी थी, दिल थम चुका था। 7:30 हो चुके थे। टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और हमेशा की तरह फिर से एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा और इवेन लुइस मैदान पर उतरे, और चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सबसे पहले गेंदबाजी करने आए युवा गेंदबाज दीपक चाहर। मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों को खेल पाना मुश्किल हो रहा था, और यही हुआ। 2रे ओवर की पहली ही गेंद पर सबसे विस्फोटक बल्लेबाज इवेन लुइस को LBW कर चेन्नई सुपर किंग को पहली सफलता दिलाई। चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। इसका फायदा चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर शेन वाटसन ने लिया। 3rd ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को अंबाती रायडू के हाथों कैच थमाकर चेन्नई सुपर किंग को दूसरी सफलता दिलाई। चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस पर पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी, क्योंकि पावर प्ले में ही मुंबई इंडियंस के 2 विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा और इवेन लुइस पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन मुंबई इंडियंस ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव मैदान पर डटे थे। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 165 रन पर 4 विकेट खोकर बना लिए, और चेन्नई सुपर किंग को 20 ओवर में 166 रन चाहिए थे इस बड़े मुकाबले को जीतने के लिए। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से उतरे ओपनिंग का जिम्मा उठाने के लिए शेन वाटसन और अंबाती रायडू, जिन्होंने शानदार शुरुआत दिलाई। लेकिन 3rd ओवर की 4थी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शेन वाटसन का विकेट लेकर EMI को पहली सफलता दिलाई। एक तरफ से अंबाती रायडू अच्छे लय में दिख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से चिन्ना थाला यानी सुरेश रैना मुश्किल में दिख रहे थे। और वहीं हुआ, हार्दिक पांड्या ने सुरेश रैना का विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग को 2रा झटका दिया। रैना का विकेट गिरने के बाद चेन्नई सुपर किंग के फैंस में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पावर प्ले के अंदर चेन्नई सुपर किंग की 2 विकेटें गिर चुकी थी। मुंबई इंडियंस में जश्न का माहौल था। रैना के आउट होने के बाद केदार यादव मैदान में उतरे, लेकिन उनके अगले ही ओवर में CSK को 3रा झटका लगा। अंबाती रायडू अच्छे लय में दिख रहे, उन्हें मयंक मार्कंडे ने LBW कर मुंबई इंडियंस को 3री सफलता दिलाई।
चोट के कारण केदार जाधव को बीच मैदान में छोड़कर जाना पड़ा। फिर सीएसके का एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा था। एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, दीपक चाहर एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे। एमआई पूरी तरह से मुकाबले में पकड़ बना चुकी थी, लेकिन फिर क्रीज पर आए डीजे ब्रावो, चैंपियन ब्रावो एक ऐतिहासिक पारी अपने नाम लिख रहे थे। लेकिन एक तरफ से विकेट गिरता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से ब्रावो का तूफानी अंदाज दिख रहा था। लेकिन 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर डीजे ब्रावो को जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा के हाथों कैच थमाकर चेन्नई सुपर किंग को नौवां झटका दे दिया। विकेट गिरने के बाद सीएसके फैंस की धड़कनें रुक चुकी थी, सारे थम चुके थे। लेकिन केदार जाधव इंजरी के कारण बीच मैदान में छोड़कर जाने का सीएसके को फायदा हुआ, क्योंकि सीएसके को जीत के लिए एक ओवर में 7 रनों की ज़रूरत थी और स्ट्राइक पर थे केदार जाधव। मुस्तफिजुर रहमान के हाथों में गेंद थी। मुस्तफिजुर रहमान ने पहली गेंद फेंकी और वह गेंद डॉट गई। उस गेंदों पर कोई रन नहीं बना। फिर दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं बना, क्योंकि केदार जाधव के पैर पूरी तरह इंजर्ड था। तीसरी गेंद पर भी डॉट हो गया। लगातार 3 गेंदों पर डॉट करने के बाद ऐसा लगा चेन्नई सुपर किंग यह मैच हार जाएगी। लेकिन चौथी गेंद पर छक्का लगाकर केदार जाधव ने सीएसके को लगभग मैच जिता दिया। अब जीत के लिए चाहिए थे 2 गेंदों में 1 रन। और फिर पांचवी गेंद पर चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग को यह महामुकाबला जिता दिया। इस जीत के हीरो रहे केदार जाधव और डीजे ब्रावो। तो दोस्तों यह थी चेन्नई सुपर किंग की सबसे खतरनाक मैच की कहानी। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।